धर्म के चार चरण कौन कौन से हैं? तप, दया, दान और शौच। बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे, बड़े सावधानी पूर्वक। तप, दया, दान और शौच, ये चार चरण हैं कलयुग के। एक बड़े गजब की बात सुनिए, तीन चरण धर्म के टूट गए कलयुग में। कलयुग में तपस्वी तो दिखते हैं पर तपस्या नहीं दिखती। दिखती है तपस्या? तपस्या दिखती है क्या? तपस्वी बहुत दिखेंगे, तपस्या नहीं दिखेगी, तपस्या गायब है। क्या आप में से कोई तपस्या कर सकता है? हम लोग उन ऋषि मुनियों पर उंगली उठाते हैं जिन्होंने सर्दियों में कटी तक जल में खड़े होकर हजारों वर्ष तपस्या की, धूप में पंचाग्नि तपी, गर्मियों में पंचाग्नि तपी, आंधी बारिशों में जंगल में खड़े होकर हर कठिनाई को सहकर भगवत आराधना में। और कई ऋषि मुनियों ने तो ऐसी भयंकर तपस्या की, ऊपर का ये चर्म, ऊपर का ये मांस सब कुछ समाप्त हो गया, सिर्फ अस्थियां मतलब सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी। ऐसी कठिन तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के विचारों पर हमको डाउट है। किनको डाउट है? जो चार घंटे के पैर पर खड़े नहीं हो सके, चार छोड़ो एक घंटा। हम लोग उन पे डाउट करते हैं, उन पे संदेह करते हैं, कैसे होगा काम? बोलो, तपस्या नहीं है, तप नहीं है। अब लोग तप नहीं करते हैं तो एक चरण टूट गया। शौच, शौच किसको कहते हैं? पवित्रता को। किसको कहते हैं? पवित्रता को। अब एक कृपा करके बताइए, पवित्रता है क्या जीवन में? है? एक होता है सफाई, एक होता है पवित्रता, एक होता है स्वच्छता, एक होता है पवित्रता। अंतर है, दोनों में अंतर है। पवित्रता किसे कहते हैं? बोले जिसे वेद विदित सत्य जिसको कहा गया। पवित्रता क्या है? आप गौशाला में, एक फॉर एग्जाम्पल, आप गौशाला में गए, वहां गाय का मूत्र पड़ा हुआ है, गाय का गोबर पड़ा हुआ है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, है? इसके बावजूद भी हमारे वेद, हमारे शास्त्र उस गौशाला को पवित्र मानते हैं। हां या ना? पवित्र स्थान है गौशाला, मीन्स पवित्र स्थान है। और दूसरा, आपके घर का टॉयलेट, वॉशरूम, बड़ा गजब का पत्थर लगा हुआ है, फिनाइल से वो है, इतना क्लीन पत्थर लगा हुआ है कि उसमें अपनी शक्ल देख लो। इसके बावजूद भी क्या वो स्थान पवित्र है? जवाब दीजिए, क्या वो पवित्र है? मींस नहीं। क्यों? वो स्वच्छ तो है, स्वच्छ तो है, क्लीन तो है, वहां तो इतना अच्छा पत्थर आपने लगा रखा है, शकल देख लो उसमें, लेकिन वो पवित्र नहीं है। भगवान के मंदिर में चले जाओ, चाहे वहां पर, कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां पैर भी कीच में हो जाते हैं जाने में, कई मंदिर ऐसे हैं भगवान के जहां आसपास में भी बड़ी मुश्किलें होती हैं, कहीं माला पड़ी है, कहीं नारियल पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, लेकिन पवित्रता क्या है? बोले मंदिर पवित्र स्थान है। और दूसरी तरफ चले जाओ आप बियर वॉर में, बड़ी बड़ी लाइटिंग है, बड़ा महंगा पत्थर है, बहुत महाराज मार शीशा ही शीशा लगा हुआ है, क्लीन मतलब जवाब ही नहीं, इससे ज्यादा क्लीन क्या होगा, लेकिन वो अपवित्र स्थान है। वो क्लीन तो है, पवित्र नहीं। और आजकल तो हमारे घर की रसोई पवित्र नहीं रही, रही है क्या? चप्पल पहन के रसोई में घुस जाते हैं,
चमड़ा पहनकर रोटी खा लेते हैं। चमड़े में भी पवित्रता है। दुनिया की हर चीज जो जितना भी चमड़ा है सब अपवित्र है, लेकिन मृग चर्म जो है वो पवित्र है, क्योंकि वेद ने उसे पवित्र कहा। ऋषि मृग चर्म धारण करते हैं, है तो वो भी चमड़ा ही ना, लेकिन वो पवित्र है क्योंकि वेद ने उसे स्वीकृति दी है। अब यहां पर ये नहीं हो सकता कि ये चीज वेद ने कह दी तो हम क्यों मान लें। हम लोग इसलिए मान लें क्योंकि हमारी मां ने ही बताया था, बेटा तेरा पापा यह है। तो जब मेरी मां ने कहा मेरा पापा यह है, तो मैंने जिंदगी भर उसी को पापा कहा, तो मेरी मां कौन है? ये वेद ही मेरी मां है, जिसने बताया ये धर्म है और ये अधर्म है, ये पवित्र है ये अपवित्र है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। ये वेद ने बताया है तो माँ ने बताया है। माँ का बताया हुआ एक एक वाक्य हम सबके कल्याण के लिए है। जो वेद ने कहा उसे स्वीकार, बिना एनी डाउट हमको वो मान लेना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट वी मस्ट बिलीव इन वेदास वाक्य, वेदास वर्ड, हर शब्द को मान लेना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो न तो तपस्या है, न पवित्रता है, दया है क्या? दया है बोलिए, कहीं दया है? अपना बेटा रोए तो दया आ जाती है, दूसरे का बेटा रोए तो सर में दर्द हो जाता है, नहीं? आजकल तो एक प्रथा चल रही है, अपने बेटे को हंसाने के लिए अगर दूसरे का बेटा रुलाना भी पड़े तो रुलाओ, हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरे के बेटे का खिलौना अपने हाथ, अपने बेटे के हाथ में पकड़, अरे तू तो रुक जा, कौन सा तेरी जिंदगी खत्म हो रही है, पहले मेरे मुन्ना को खेलने दे दे। अरे भाई खिलौना उसका छीन के रहे हो, ये तो शुक्र है उसकी मां नहीं आ रही, नहीं वरना तो यहां महाभारत का युद्ध शुरू हो जाए। ये दया नहीं है, सिर्फ अपनों पे दया आए और दूसरों पर निर्दयता के साथ में आप ऐसा व्यवहार करें वो दया नहीं हो सकती। दया तो ऐसी है कि सबको समान दृष्टि से देखा जाए और जो दया का पात्र हो उस पर दया कर देनी चाहिए, जिसे दया की जरूरत हो उस पर दया कर देनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।